हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नाइस। फ्रेंड्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है 10 तारीख और आज 11 तारीख को भी एग्ज़ाम हुआ है और 17 तारीख और 18 तारीख को भी एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 तारीख और 11 तारीख का एग्ज़ाम को देखते हुए, पेपर को देखते हुए एक्सेप्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में वैकेंसी जो थी वे 18,200 वैकेंसी थी और इसमें जो आवेदन लिए गए हैं किए गए हैं 22 लाख आवेदन। ठीक है फ्रेंड्स, आवेदन जो हुए हैं 22 लाख हुए हैं, उसमें जो लगभग अनुमान है 13.5 से 14 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने के अनुमान है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना अनुमान है 13 से 14 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 10 और 11 तारीख का एग्ज़ाम हो चुका है, 17 और 18 का एग्ज़ाम भी अभी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो 9 से 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मॉडरेट प्लस टफ, थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है ग्रुप डी का जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है। ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ना ही ज़्यादा लो का है और ना ही इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग है। ठीक है फ्रेंड्स, निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, थोड़ा मॉडरेट और टफ भी था हल्का सा एग्ज़ाम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो एक्सेप्टेड कट ऑफ बन सकता है वह बन सकता है, चलिए देखते हैं जर्नल में एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, 10 और 11 तारीख के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने आपके लिए कट ऑफ बनाया है 66 से 70 के आसपास। ठीक है फ्रेंड्स, ये है जनरल की, अनरिजर्व की कट ऑफ है 66 से 70 के आसपास। यदि इस दायरे में आपके हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपका अनरिजर्व में सीट पक्की है। ठीक है फ्रेंड्स, ओबीसी की बात की जाए, ओबीसी कैटेगरी में 64 से 68 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 64 से 68 तक ओबीसी कैटेगरी का एकदम सेफ जोन है। ठीक है फ्रेंड्स, सेफ एरिया है, इतने में यदि नंबर बन रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छे नंबर बन रहे हैं। बात की जाए एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में 62 से 66, यदि इस दायरे में आपके नंबर बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका एससी कैटेगरी से सिलेक्शन एकदम क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, और बात की जाए एसटी से, एसटी कैटेगरी में 59 से यदि आपके क्वेश्चन बन रहे हैं 65 के लगभग आसपास, तो बहुत ही अच्छा आपका स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा इतना। तो ये 10 और 11 तारीख के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी 17 और 18 तारीख का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, तो असली जो कट ऑफ बनाई जा सकती है 17 और 18 और 10 और 11 के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये कट ऑफ हमने बनाई बताई है आपको 10 और 11 के एग्ज़ाम को देखते हुए, उसके एग्ज़ाम के लेवल को देखते हुए, पेपर के लेवल को देखते हुए, कि थोड़ा टफ भी था एग्ज़ाम और मॉडरेट था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कट ऑफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।